जब स्टार्ट कर रहा हूँ 12th स्टैंडर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। टॉपिक नंबर वन हमारा चल रहा था इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। उसके अंदर में हमने क्या क्या चीजें देखी तेरे बेटा बताओ तो जरा एक बार। टोटल सिक्योरिटी बोल रहा है 45 दिवस एक्सपायर होना हो दे आमल का है, वैसे भी लैपटॉप एयरप्लेन मोड पे है। हाँ ओके, लास्ट लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया था, सप्रे एंड अत्रे, यस और नो। अब अच्छे से ध्यान दो, जो बच्चे नए हैं जो चीज नहीं समझ में आई वो पूछना है, बिल्कुल 1000% कॉन्सेंट्रेट करना है। आप लोग जो यहाँ पे बच्चे आकर के पढ़ रहे हो फेस टू फेस या जो ऑनलाइन लाइव, आप लोग अगर सेल्फ स्टडी करोगे तो भी 12th में पास तो हो ही जाओगे, पासिंग के मानने नहीं है। एक क्लास टीचर होने के बावजूद भी आपको बता रहा हूँ, नहीं तो जनरली कोई क्लास वाला टीचर ऐसा बोलेगा कि सेल्फ स्टडी में पास होते हैं, बट जो फैक्ट बता रहा हूँ। बट आप लोगों ने क्लास लगाया तो कुछ उससे ज्यादा हासिल करना है ना, आपको कोशिश करना है कि आउट ऑफ आउट 12th अकाउंट में लेकर के आना है। एंड आउट ऑफ आउट पॉसिबल है, आउट ऑफ आउट पॉसिबल है, ऑलरेडी 90+ बच्चे जा चुके हैं अपने, आउट ऑफ आउट बिल्कुल पॉसिबल है। बस क्या करना है, प्रैक्टिस भरपूर करनी है। इसलिए हम लोग भले ही हमारा वो कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ना हो गया है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, बट फिर भी हम लोग बार 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 उसकी क्या कर रहे हैं, सम सॉल्व कर रहे हैं कि जब तक आप परेशान होकर के अपने बाल ना नोच लो कि सर बस अब बहुत हो गया, अब तो हमें सम याद हो गए सारे, उस समय मैं बंद कर दूंगा। ठीक है, ऐसे हर एक टॉपिक का अपने को करना है धीरे धीरे। 11th के अंदर में काफी कैजुअल रहती है चीजें, आराम से एक टॉपिक के चार क्वेश्चन भी कर लिए तो हो जाता है, क्योंकि 11th के अंदर में ना 11th के टीचर सीरियस, ना 11th के एग्जाम लेने वाले सीरियस, ना बच्चे सीरियस, यस और नो। तो इसीलिए 11th का भी जो हमने पढ़ा वो 12th में काफी सारी चीजें रिपीट होने वाली है, तो डोंट वरी, चिंता मत करना। और काफी सारे बच्चे 11th साइंस के बाद 12th कॉमर्स में आते हैं, ये बात आपको पता होगा, 11th साइंस और उसके बाद 12th कॉमर्स में आते हैं, तो उनके लिए भी मुझे एक बार 12th में वापस बेसिक बताना ही पड़ता है सारी चीजें। सो बिल्कुल वो सारी चीजों को साइड में रखते हुए है ना, 12th का हमारा चल रहा है, थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन लेवल ज्यादा रखना पड़ेगा है ना। टर्निंग पॉइंट है, बोर्ड का एग्जाम है, बोर्ड का रिजल्ट है, लाइफ टाइम ये रिजल्ट आपके माथे पे या छाती पे लगा रहेगा, तो आपने इसको सीरियसली लेना है ना। 12th का रिजल्ट काफी जगह काम आता है, मालूम है ना आपको, 12th का रिजल्ट कंसिडर होता है आगे रियल लाइफ में। चलो आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व कर लिया था, सप्रे एंड अत्रे, हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बना लिया था बेटा, राइट। चलो सब लोग साथ में, यस हाय बेटा, हाय हाय हाय। चलो आगे बढ़ते हैं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना आप। सो देख रहे बेटा, सप्रे एंड अत्रे वाला क्वेश्चन हो गया था, ये था आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 7, ये हमने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में, राइट। टेक्स्ट बुक का एक क्वेश्चन है, हर एक बच्चे के पास इनिशियली टेक्स्ट बुक तो होती है, इसलिए हमने इनिशियली टेक्स्ट बुक के एक क्वेश्चन लिए बेटा सर, ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8, नेने एंड काने। नेने मतलब ये माधुरी दीक्षित वाली नेने है ना, वही हो गए शायद अपने, ओके पुणे में है तो वही है मेरे ख्याल से, नेने काने दीक्षित। आ जाओ चलो स्टार्ट करो, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छे ध्यान देना बेटा। क्या दिया है, नेने एंड काने आर द पार्टनर्स, ओके, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 6:4। इसका मतलब क्या है बेटा, देखो तो जरा, दिख रहा है सभी को, है ना। आपके पास बुक नहीं है तो एक काम करो बेटा, कोई तो एक बुक अगर पीछे दो होगी, कहीं दो होगी, एक डेस्क बेंच पे, तो एक इनको दे दो, ठीक है। आ जा, उसमें कुछ लिखना मत, हाँ तेरी बुक नहीं है, लिखना है तो उसकी परमिशन ले लेना पहले, ओरल परमिशन भी चलेगा। सो नेने एंड काने आर द पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 6:4, बराबर कहती है। 10 रुपए अगर प्रॉफिट होगा तो 6 कौन लेगा, नेने, और 4 रुपए कौन लेगा, काने। 20 रुपए प्रॉफिट हुआ तो 12 रुपए कौन लेगा, नेने। 8 रुपए कौन लेगा, काने। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसको 6:4 के रेशो में बांट देंगे, देखेंगे कैसे बांटते हैं। आगे देखो और क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट गिवन बिलो प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। और ईयर एंड डेट क्या है बेटा, 31 मार्च 19। अच्छा ईयर एंड 31 मार्च 19 है, बता सिद्धू ईयर स्टार्ट डेट क्या रहेगा, 1 अप्रैल 18 से लेके 31 मार्च 19, ये ईयर एंड डेट है, तो ऑब्वियस सी बात है दूध पिता बच्चा भी बोलेगा ये ईयर की स्टार्टिंग
स्टार्टिंग डेट है, राइट। जनरली 12 मंथ का अकाउंटिंग ईयर रहेगा, डन। चलो बेटा आगे। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन लाइव देख रहे हैं, आपको भी बात करने का पूरा अधिकार है, सवाल पूछने का पूरा अधिकार है, बिल्कुल आप पूछ सकते हो बेटा। और जो फेस टू फेस है, तो हमारे निहायती वैष्णव लड़के, तो तब के तब पूछ ही लेंगे, है ना। ऐसे हाथ खड़ा करके सर वापस बता दो। पर्टिकुलर्स में डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस आप लोगों को दे दिया, कैपिटल दे दिया नए नए काने का। अच्छा, ये कैपिटल का कौन सा बैलेंस है? इस दिन का बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस है, जनरली साल के आखिर में हम लोग बनाते हैं, तो जिस दिन का वो ट्रायल बैलेंस है 31 मार्च 19 का, उसी दिन के सारे बैलेंसेस है, उसी दिन के सारे बैलेंस है। नेने का क्लोजिंग बैलेंस था कैपिटल का इतना, काने का इतना था। डेटर्स साल के आखिरी में 31 मार्च 19 को इतने के डेटर्स थे, इतने के क्रेडिटर्स थे। रेंट 10 मंथ, ओ हो, हिडन एडजस्टमेंट है यहाँ पे, हिडन एडजस्टमेंट है बेटा, देख करो रोहित सर। हाँ, हिडन एडजस्टमेंट है यहाँ पे, 10 मंथ लिखा हुआ है ब्रैकेट में रेंट। अच्छा, और कुछ बोला है क्या रेंट के बारे में? ढूंढो तो एडजस्टमेंट में देखो रेंट के बारे में और कुछ बोला है क्या? नो, बस इतना ही बोला है। ओके, इसका मतलब क्या है बेटा बताओ तो? रेंट ब्रैकेट में लिखा है 10 मंथ, और आप सभी लोग जानते हो कि जनरली अकाउंटिंग ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ, और यहाँ पे रेंट 10 मंथ का है। इसका मतलब 2 महीने का रेंट देना बाकी है, 2 महीने के रेंट की अकाउंटिंग नहीं की। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ 10 महीने के रेंट की अकाउंटिंग की है, 2 मंथ के रेंट का अकाउंटिंग बाकी है। ये खुद से होके समझना पड़ेगा क्या? हाँ सर, हमें कैसे समझेगा कहाँ खुद से होके समझना? ब्रैकेट में लिखा है देखो ना 10 मंथ, तो वहां पे उन्होंने इशारा दे दिया कि बाड़ा 2 महीने का हिशोब बाकी है। हाँ, 10 महीने का हिशोब है फक्त, यस और नो? 2 महीने का हिसाब अभी भी बाकी है, तो इसलिए मैंने स्टार मार्क लगा दिया वहां पे। एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट मतलब क्या होती है? ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद भी कुछ इंफॉर्मेशन जो अकाउंटिंग करनी चाहिए थी वो छूट गई, तो छूटी हुई इंफॉर्मेशन को ये लोग क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट, और एडिशनल इंफॉर्मेशन और अनरिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन, यस और नो? चलो बेटा आगे। सो प्लीज ध्यान देना ना। सो 2 महीने का रेंट, ये 10 महीने का रेंट कितना है? 10,000। बता रहे बेटा 2 महीने का कितना रहेगा? 10 महीने का 10,000, तो 2 महीने का 2,000। 10 महीने का 10,000 है, यानी 10,000 डिवाइडेड बाय 10, यानी पर मंथ कितना आया? 1,000। तो 1 महीने का 1,000, तो 2 महीने का 2,000। आ जाओ आगे। स्टॉक दे दिया है 1 अप्रैल 18 का। 1 अप्रैल 18 मतलब ये स्टार्ट डेट है क्या? मतलब ये ओपनिंग स्टॉक है बेटा। प्रीमाइसेस असेट है, सैलरी खर्चा डिस्काउंट। अब डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस भी है और क्रेडिट बैलेंस भी है, देखो ना, डेबिट बैलेंस भी है और क्रेडिट बैलेंस भी है, डिस्काउंट के दोनों बैलेंस। डेबिट बैलेंस वाला डिस्काउंट मतलब क्या है? खर्चा। क्रेडिट बैलेंस वाला डिस्काउंट यानी इनकम, मिला वाला डिस्काउंट जो हमें मिला वो क्रेडिट बैलेंस में है, और जो हम लोग कस्टमर को दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, वो डेबिट बैलेंस यानी खर्चा है, राइट। उसके बाद मोटर व्हीकल दे दिया, सेल्स है, परचेस है, वेजेस हमारी, लेबर चार्जेस, डायरेक्ट ऑफिस एक्सपेंसेस है, बैंक ओवरड्राफ्ट है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? मेरे बैंक अकाउंट में जितना पैसा बैलेंस था उससे ज्यादा पैसा मैंने विड्रॉ किया। मेरे बैंक अकाउंट में था 50,000 रुपये, और मैंने मेरे स्टाफ को सबको सैलरी दे दी, और सबकी सैलरी का अमाउंट हो रहा था 60,000 रुपये। बैंक में कितने पड़े थे? 50, बट मैंने चेक कितने के बांट दिए? 60 के। बोलो कितना शॉर्ट पड़ रहा है? 10। तो बैंक बोलती है, हे हरीश टेंशन मत ले, तेरे अकाउंट में भले 50,000 है, लेकिन हम लोग 60,000 के चेक क्लियर कर देंगे। मतलब अब मेरे बैंक में कितना बैलेंस रहेगा? -10,000। तो वो -10,000 मतलब क्या? ओडी। ऐसा समझो मैंने बैंक से थोड़ी समय के लिए पैसा उधार लिया 10,000 रुपये, मेरे अकाउंट में 50 ही थे, बट फिर भी मेरा कितने का पेमेंट कर दिया बैंक ने? 60 का। मतलब मेरे बैंक में अब बैलेंस पड़ा नहीं है, उल्टा मुझे बैंक वालों को देना है। मतलब ओडी है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस चेक करो, ओडी क्रेडिट बैलेंस में दिख रहा है क्या? यस और नो? क्लियर है? सो बैंक ओडी आपकी लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी, नियर फ्यूचर में देना पड़ेगा, करंट लाइबिलिटी, यस और नो? आगे रिटर्न। अच्छा, रिटर्न कौन से? डेबिट बैलेंस वाला रिटर्न मतलब कौन सा, और क्रेडिट बैलेंस वाला कौन सा? सेल का कौन सा बैलेंस होता है? सेल इनकम है, इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस, तो उल्टा सेल्स रिटर्न का कौन सा रहेगा? डेबिट बैलेंस। वैसे परचेस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस। उल्टा परचेस रिटर्न का कौन सा रहेगा? क्रेडिट बैलेंस। तो ये क्रेडिट बैलेंस वाला जो रिटर्न है ये क्या है? परचेस रिटर्न। ये जो डेबिट बैलेंस वाला रिटर्न है ये कौन सा है? सेल्स रिटर्न। बेचाओ माल वापस आए, क्यों आया वापस? चूल्हे में जान दो अपने को क्या लेन देन।
है ना, मे भी खराब होगा, डैमेज होगा, और कुछ होगा, आ गया ना, बेचा हुआ माल वापस आया, सेल्स रिटर्न, खरीदा हुआ माल हमने वापस कर दिया सामने वाले के मुंह पे दे मारा, वो क्या है, परचेस रिटर्न। ठीक है, सो ये सेल्स रिटर्न है, ये परचेस रिटर्न। उसके बाद प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अच्छे से ध्यान देना, पीएफ इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, मैं एम्प्लॉयज के लिए प्रोविडेंट फंड क्रिएट कर रहा हूँ, मैं किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड क्रिएट कर रहा हूँ। जैसे मुझे एक बेटी हुई है, उस बेटी की शादी के लिए मैं हर महीने 50,000 रुपये का फंड क्रिएट करता हूँ, बराबर है, हर महीने में 50,000 एक फंड में डालता हूँ, यानी पिगी बैंक में डाल रहा हूँ उसकी शादी के लिए, है ना, क्योंकि आज के 20-25 साल बाद शादी 2-5 करोड़ में होने वाली है, सस्ते में नहीं होगी, है ना, तो अभी से मैं 50,000 का उसके लिए हर महीने साइड में निकालता हूँ अमाउंट। तो वो जो 50,000 मैंने साइड में निकाल करके गुल्लक में रखे है, क्या उसको ऐसी आलसी पड़े रहने दो गुल्लक में कि कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रख दो, इन्वेस्ट करके रखा तो फायदा है ना। तो वो जो मैंने बेटी की शादी का फंड निकाला था, वो फंड का पैसा मैं कहीं इन्वेस्ट करके रख रहा हूँ, तो वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी बेटी की शादी का फंड का इन्वेस्टमेंट। तो वैसे ही मैं मेरे एम्प्लॉय के लिए भी प्रोविडेंट फंड निकालता हूँ, प्रोविडेंट फंड है ना उधर निर्वाह निधि, एम्प्लॉय आगे जब रिटायर होगा तो प्रोविडेंट फंड के पैसों से उसका बुढ़ापा आसान हो जाएगा, इसके लिए पीएफ करते हैं ना कंपनी वाले काफी, तो वैसे ही मैं मेरे एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहा हूँ। बट अब वो फंड में पैसा जो डाल के रख रहा हूँ वो आलसी पड़ा रखने से अच्छा एक काम करो कहीं इन्वेस्ट कर दो, तो वो मैंने कहीं इन्वेस्ट करके रखा है, तो उस फंड के पैसे की इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट है मतलब ये असेट है, इसलिए डेबिट बैलेंस है, अगर यहाँ सिर्फ प्रोविडेंट फंड ऐसा बैलेंस होता तो वो क्रेडिट बैलेंस होता। क्यों, मैंने बेटी की शादी के लिए 10 लाख रुपए इकट्ठा कर लिए, तो 10 लाख रुपए मुझे कहाँ यूज करना पड़ेगा, मेरे बेटी की शादी के लिए ही यूज करना पड़ेगा, मतलब वो 10 लाख मेरे नहीं, वो लाइबिलिटी है, बरबर है क्या, पक्की बात। सो जब कभी भी आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए फंड या रिजर्व बनाते हो तो वो आपकी लाइबिलिटी है, मतलब उसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा, बरबर है। अच्छा, वो पैसा कहीं इन्वेस्ट करके रख दिया तो इन्वेस्टमेंट आपकी क्या हो जाएगी, असेट। सो छोड़ो ना, मोरल ऑफ द स्टोरी, प्रोविडेंट फंड अगर यहाँ पे होता तो क्या होता, आपका क्रेडिट बैलेंस, लेकिन पूरा क्या लिखा है, प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, मतलब वो आपकी असेट है, असेट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस। ये बात समझ आई सभी को, पक्की बात, डोंट वरी, आगे भी और 10-10 बार आने वाली है तो सेम चीज मैं 10-10 बार बताऊंगा, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट है, देन कैश इन हैंड है, प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन, बोलो बेटा प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन कितना दिया हुआ है बेटा यहाँ पे, 1 लाख रुपीज, ये प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, ये हमने कॉन्ट्रीब्यूट किया होगा। अरे बाबा, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्ट्रीब्यूट करती है ना, जैसे देखो मैंने एक बार बताया था आपको कि मेरे यहाँ पे एक एम्प्लॉई है, वो एम्प्लॉई की हर महीने की सैलरी से मैं 2,000 निकालता हूँ पीएफ के नाम पे। आपके अगर घर पे कोई जॉब करता हूँ तो उनको पूछना, सैलरी स्लिप कभी देखना, उसके अंदर में आपको दिखेगा सैलरी 25,000 रुपये माइनस ये टीडीएस कट, माइनस ये कट, वो पीएफ का पैसा कट, तो कट 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 करके बचाव मिलता है ना हाथ में, तो एम्प्लॉय के कितने काट रहे हो, 2,000, और मैं भी मेरे जेब से एम्प्लॉय के लिए कितने डालता हूँ, 2,000, तो हर महीने एम्प्लॉय के लिए कितने इकट्ठा हो रहे हैं, 4, तो मैं मेरे जेब से जो डाल रहा हूँ एम्प्लॉय के लिए वो है ये प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन। सर उसका डेबिट बैलेंस क्यों है, मैं एम्प्लॉय को फोकट में ही दे रहा हूँ ना 2,000 रुपये पर मंथ, तो खर्चा है ना मेरा, खर्चे का कौन सा बैलेंस होता है, हाँ तो कौन से बैलेंस में है, ये समझ में आया सभी को, पक्की बात। प्रोविडेंट फंड आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, फंड होता तो कहाँ रहता, अभी देखो प्रोविडेंट फंड दिख रहा है क्या, उसके बाद कैश एट बैंक, इंटरेस्ट ऑन पीएफ इन्वेस्टमेंट, प्रोविडेंट फंड की जो इन्वेस्टमेंट करके रखा था उसके ऊपर मुझे क्या मिला, इंटरेस्ट। बोलो बेटा वो जो इंटरेस्ट मिला वो इनकम है क्या, मिलने वाला इंटरेस्ट है ना, इनकम का क्रेडिट बैलेंस देखो, क्रेडिट साइड में दे दिया, ड्रॉइंग नेने काने का दे दिया, बैड डेट दे दिया। अच्छा, बैड डेट ट्रायल बैलेंस में दिया, मतलब ऑलरेडी इसका हिसाब किताब हो गया है, ओल्ड बैड डेट है, ऑलरेडी डेटर से माइनस हो चुके हैं, एडजस्टमेंट वाला बैड डेट होता तो अलग होता, ये ट्रायल बैलेंस में दिया मतलब ऑलरेडी अकाउंटिंग हो चुकी। आरडीडी, ये ओल्ड आरडीडी है, एडजस्टमेंट में कुछ बातें दे दी, क्लोजिंग स्टॉक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड सैलरी, डिप्रिसिएट मोटर व्हीकल, राइट ऑफ बैड डेट 5,000, अच्छा नए बैड डेट है 5,000, एडजस्टमेंट में दिया है मतलब न्यू बैड डेट है अभी तक। अच्छा, एडजस्टमेंट में जो भी इन्फॉर्मेशन दी होती है ना उनका अकाउंटिंग अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए तो एडजस्टमेंट में दिया, उनका अकाउंटिंग अभी तक नहीं हुआ है, अब करना पड़ेगा। आगे, काने विड्रू गुड्स ऑफ ₹6,000 फॉर हिज पर्सनल यूज, ये सारी चीजें इन्होंने दे दी है। चलो, बोला क्या है बेटा, ट्रेडिंग पीएनडीएल और बैलेंस शीट बनाना है, एडजस्टमेंट मार्क कर दो, क्लोजिंग स्टॉक तो ऊपर ट्रायल बैलेंस में है नहीं तो कहीं मार्क करने की जरूरत नहीं, वेजेस और सैलरी है क्या, वेजेस 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 और सैलरी, वेजेस
एडजस्टमेंट है ना उस पे, इसलिए मार्क करता हूँ। फॉर्मेट बनाना, एडजस्टमेंट वाले आइटम मार्क कर देना, और उसके बाद में ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम से शुरू कर दो। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है? डिप्रिसिएट मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल किधर है? ढूंढो तो बेटा, मोटर व्हीकल इस पे एडजस्टमेंट है। उसके बाद और क्या बेटा आगे? राइट ऑफ बैड डेट। न्यू बैड डेट है और न्यू आरडीडी भी है क्या? ओ हो, न्यू आरडीडी, बैड डेट, डेटर्स के ऊपर क्रिएट करना है। डेटर्स 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 कहाँ है बेटा हमारे? ये डेटर्स पे एडजस्टमेंट। आरडीडी वाला एडजस्टमेंट काफी बार बच्चों को तकलीफ देता है, इसलिए हमने एक सिंपल सा उसके लिए क्या फॉर्मूला बना दिया है। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सिंपल है। ऑलरेडी हमने पहले उसका पहले लॉजिक देखा, एक बर्थडे एक्सपेंस वाला एग्जाम्पल लिया था, बरूबर है। और उसके बाद में फिर मैंने उसके भरोसे एक फॉर्मूला बता दिया। वो फॉर्मूला अपने एज इट इज यूज करना है, आप चाह के भी गलत नहीं कर पाओगे एग्जाम में, चाह के भी। अगर आपने वो फॉर्मूला यूज किया तो आ जाओ। उसके बाद और कुछ बोला है क्या? देखो तो एडजस्टमेंट में राइट ऑफ बैड डेट हो गया। देन काने विड्रू गुड्स फॉर इज पर्सनल यूज। ओके, काने ने विड्रॉ किया, ड्रॉइंग बढ़ जाएगा क्या? माल विड्रॉ किया तो परचेस कम कर देंगे। या तो परचेस कम करो या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखाओ। माल आता है तो कहाँ आता है? ट्रेडिंग के डेबिट में, बरोबर है। माल जाता है तो कहाँ से जाता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट से। फिर वो माल सेल होने की वजह से जाओ, चाहे लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू फायर, चाहे पर्सनल विड्रॉल, ओनर का गुड्स विड्रॉ किया, चाहे लॉस ऑफ गुड्स ड्यू टू थेफ्ट। तो माल अगर किसी भी रीजन से अगर जा रहा है धंधे से, तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, यस और नो? तो हम लोग दिखा दें, डोंट वरी। क्वेश्चन पढ़ लिया, एडजस्टमेंट मार्क कर लिया, अब मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, और अब मैं एक्चुअल में सॉल्व करूंगा एक एक आइटम, और जहां डाउट है अपने वहां पूछना है, ठीक है? मैं फॉर्मेट बना लेता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8। ओ वाह, फॉर्मेट बना हुआ है मेरे पास। देखो कुछ बच्चों की जल रही है अभी कि सर ऐसे मत करो। तुमने बना के रखा है क्या? तुमने कर लिया ये क्वेश्चन सॉल्व? क्या बात कर रहे हो ही नहीं सकता है। दिखाओ। अरे यार, अब मेरी जल रही है, अब मेरी जल रही है। चलो फॉर्मेट बनाओ। देखो बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 19। क्या यार, तो ये टैली हो गया, इसमें क्या डाउट है आपको? ये हो गया। हाँ, ठीक है ना, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, वो भी टैली हो जाएगा। बना बेटा एक एक पेज का ट्रेडिंग, एक पेज का P&L, एक पेज की बैलेंस शीट। ओ माय द गॉड्स, जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है आपको दिखना बंद हो गया है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रही है, जस्ट अ सेकेंड। जो भी बच्चा लेक्चर ऑनलाइन या ऑफलाइन देख रहा है, रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो रही है, लाइट चली गई है ना? मैं इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको वापस पूरा यहां से दिखेगा, ठीक है ना? ये जो पीछे ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, जस्ट बिकॉज